So children, you all are aware that Mendel had selected garter pea or python stylum for his experiments. And we all have learned what were the various reasons behind selection of this garden pea plant only. And we also have learned the seven characters on which Mendel focused while carrying out his inheritance experiments. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कैसे किया, व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स एंड सेकंड उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही थी। जब उन्होंने क्रॉसिंग करवाई या सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो उनके पास जो रिजल्ट्स आए थे वो कैसे रिजल्ट्स थे, ऑब्जर्वेशंस क्या रही एंड उन रिजल्ट्स के बेसिस पे, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने क्या इन्फ्रेंसेस दी। ओके, सो अब आपको ये मालूम है कि उन्होंने सात कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, जैसे आप जानते हो फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर एंड सीड शेप। ये सेवन फीचर्स थे जिन पे मेंडल ने फोकस किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब इन सेवन कैरेक्टर्स में से हम कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जो कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे उनमें सेम टाइप के एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स के बाद एक जैसे ही रिजल्ट आते थे। आप कोई भी कैरेक्टर अपने चॉइस से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम स्टेम हाइट ले लेते हैं, तो यहाँ मैंने एक पेरेंट को लिखा टॉल और दूसरे को ड्वार्फ। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में मैंने क्रॉस दिखाई है। ये क्रॉस मार्क शो करता है कि हम इन दोनों प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाने वाले हैं, इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से जो इनकी प्रोजेनीज आएगी वो इस टॉल और इस ड्वार्फ प्लांट की हाइब्रिड मानी जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। अब सबसे पहली बात कि जो ये पेरेंट्स चूज किए गए हैं ये कैसे हैं। मेंडल ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद प्योर लाइंस। ये आपसे पहले भी बात हो चुकी है, प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं टॉल प्लांट यहाँ पर ट्रू है या प्योर लाइन है वो इसलिए अगर आप इसे बार बार सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लावर है, इसी के पोलन ग्रेन्स पर गिराते हैं, फिर इसकी प्रोजेनिज आएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उन प्रोजेनिज को अगर आप देखोगे तो वो टॉल ही होंगी। अगर ये टॉल प्लांट का फ्लावर है और इससे आगे जब रिप्रोडक्शन के बाद उसकी प्रोजेनिज को आप देखोगे तो वो टॉल ही आएंगे, चाहे कितने ही जनरेशन तक आप उन्हें ग्रो करवाए। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेल्फ पोलिनेट होने चाहिए। बार बार सेल्फ पोलिनेशन के बाद अगर आपको एक ही करेक्टर दिखाई देता है, लंबे प्लांट है तो लंबे ही उनकी प्रोजेनिज अगर आती है, वो अपने उस लंबे करेक्टर के लिए, स्टेम की हाइट के लिए, टॉलनेस के लिए स्टेबल है। प्योर लाइन फॉर स्टेम हाइट। ध्यान रखेंगे करेक्टर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ हाइट पर है, तो हम प्योर लाइन को किस चीज के लिए बता रहे हैं, हाइट के लिए। इसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट है, ये पेरेंट है ये, तो ये ड्वार्फ प्लांट भी इस वक्त उन्होंने जो चूज किया था ये प्योर लाइन ही था। मतलब अगर इसे बार बार सेल्फ पोलिनेट करवाया जाए तो इसकी सभी प्रोजेनिस ड्वार्फ ही आएंगी, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं आएगा जो टॉल होगा। ठीक है, तो ये प्योर लाइन है और ये क्रॉस आपको समझ में आ गई क्यों लगाई गई है। अब देखिएगा, आपको मालूम है कि प्लांट्स जो भी गार्डन में प्लांट है वो उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बाईसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे मैंने यहाँ पे बाईसेक्सुअल फ्लावर दिखाए हैं, ये मैंने कार्पेल दिखाया है और स्टैमन दिखाया है, और मान लीजिए ये स्टोर प्लांट का फ्लावर है और ये वाला ड्वार्फ का। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवानी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। आप इसको मेल पेरेंट नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास दोनों ही टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं, ना ही आप इसको कह सकते हैं। तो इनमें से हमें एक को मेल और दूसरे को हमें फीमेल बनाना पड़ेगा। वो कैसे करा गया, जैसे हम मान लीजिए टॉल प्लांट को फीमेल बनाना चाहते हैं, इसको हम फीमेल पेरेंट कंसिडर करना चाहते हैं, और ड्वार्फ प्लांट को हम मेल पेरेंट बना लेते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए इनके फ्लावर्स को देखिए। आपको बताया गया था क्रॉसिंग से पहले मेंडल क्या करते थे, उन्होंने जैसे अगर इसे फीमेल प्लांट बनाना है तो फीमेल बनाने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि इसके जो ये एंथर्स हैं
मेल पार्ट है इसको हम रिमूव कर दें, इमैस्कुलेट कर देते हैं, तो हम यहाँ से इनको हटा देंगे। उन्होंने ऐसे किया, ही इमैस्कुलेटेड द फ्लावर्स, जैसे ये फीमेल फ्लावर है टॉल प्लांट के, तो उनको इमैस्कुलेट कर दिया और अब ये फीमेल फ्लावर हो गया, पिस्टिलेट फ्लावर दिखाई दे रहा है। क्रॉसिंग करवानी है तो अब क्या करना चाहिए, हमें जरूरत पड़ेगी पोलन ग्रेन्स की, स्टिग्मा के सरफेस पे पोलन ग्रेन्स को डस्ट करना है। इसके हम यहाँ पर नहीं डालना चाहते थे, हमें तो इस प्लांट के साथ क्रॉसिंग करवानी है एडवांस के साथ, तो क्या करेंगे, इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगे और डस्ट कर देते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया टॉल और ड्वार्फ के बीच में। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर दोबारा से आइए, यहाँ पे उन्होंने पहले स्टेप क्या थी, कि सिलेक्टेड प्योर प्लांट किसी भी कैरेक्टर के लिए, जैसे यहाँ पे हम स्टेम हेड स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इमैस्कुलेट किया, इमैस्कुलेट करने के बाद उनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया। इतना होने के बाद अब देखिए, हम यहाँ पर या मेंडल की बात करें तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग होगी तो प्रोजेनिस कैसे आनी चाहिए। आपके कुछ आंसर हो सकते हैं, आप कहेंगे मैडम टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग हुई है तो जो हाइब्रिड है वो हो सकता है एवरेज हाइट की हो, ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर हमारा हो सकता है कुछ प्लांट टॉल होंगे, कुछ प्लांट जो है वो ड्वार्फ होंगे, क्योंकि मिक्स करेक्टर है, कुछ इस फीमेल प्लांट के कैरेक्टर्स उस प्रोजेनिस में आने चाहिए और कुछ जो है मेल प्लांट के कैरेक्टर्स प्रोजेनिस में आने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो दो हैं, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन चल रहा है, कैरेक्टर्स तो पास होंगे हैं, तो या तो वो हाइब्रिड जिसको आप कह रहे हो हाइब्रिड हाइट का होगा, या दोनों कैरेक्टर्स आपको अलग अलग भी दिखाई दे सकते हैं। मेंडल भी कुछ ऐसे ही सोच रहे थे, तो देखिए रिजल्ट क्या रहा, इनकी क्रॉसिंग के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा रहा, उन्हें 100% टॉल प्लांट मिले, एक भी ऐसा प्लांट नहीं था जो ड्वार्फ हो या एवरेज हाइट का हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे 100% टॉल प्लांट। और इस जनरेशन को जो इन दोनों की हाइब्रिड जनरेशन थी, उन्होंने कहा फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, F1 जनरेशन या फाइलियल जनरेशन। यहाँ बड़े सरप्राइज थे वो कि ऐसे कैसे हुआ, ड्वार्फ क्यों नहीं आया, यस एवरेज हाइट क्यों नहीं आई है, सब 100% टॉल कैसे आए। तो यहाँ पे जो उनके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, उनको लगा कि शायद ये कैरेक्टर ड्वार्फ कैरेक्टर जो यहाँ नहीं है, किसी भी प्लांट में नहीं दिखाई दे रहा, ये कहीं खो गया है, इट हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक वो इतना उन्होंने सोचा। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे हैं, वो यहीं तक रुक जाते हैं तो शायद कोई इंटरप्रिटेशन ढंग से वो कर भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ इतना होने के बाद, अब देखो ये जो टॉल प्लांट, ये जितने भी प्रोजेनिस हैं, आप इतना तो मानेंगे ये इन दोनों प्लांट्स की हाइब्रिड है, तब हम कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू किए इन टॉल प्लांट्स के साथ, याद रखिए ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं इन दोनों के, और हम मान के चल रहे हैं ड्वार्फ कैरेक्टर कहीं गुम हो गया है, गायब हो गया है। ठीक है, तो अब इस टॉल प्लांट की, इन टॉल प्लांट की क्रॉसिंग करवानी है, लेकिन इन्हें सेल्फ पोलिनेट करवाएंगे इनकी क्रॉसिंग। अगर ऐसे मान लीजिए ये हमारा ये वाला प्लांट का फ्लावर है, तो इस पे बाइसेक्सुअल फ्लावर आए हुए हैं, स्टैमेन भी है और कार्पेल भी है, तो इसके पोलिनेशन हम इसी पर डस्ट करवाते हैं। मेंडल ने ऐसे किया, सेल्फ पोलिनेशन वाज परफॉर्म बिटवीन दिस टॉल हाइब्रिड प्लांट्स, F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं उनके बीच में सेल्फिंग करवा दी। तो अब इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, हमें टॉल की क्रॉसिंग टॉल के साथ। ठीक है, इन टॉल, ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाले जो टॉल प्लांट्स हैं ये हाइब्रिड है इन दोनों प्लांट्स के, ये प्योर लाइन नहीं है, जैसे इनके पेरेंट्स प्योर थे ना वैसे प्योर नहीं है ये, क्योंकि इन दोनों की हाइब्रिड है, तो इनके सेल्फ पोलिनेशन करवाई गई। यहाँ पे हम देखें कि इसके बाद की जो स्टेप है वो है सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर, अब फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आप बिल्कुल शुरू में पूछा गया था, टॉल एंड ड्वार्फ की क्रॉसिंग करवाई तो आपने क्या कहा था कि एवरेज हाइट आएगी या दोनों तरह के प्लांट्स तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, मिला तो कुछ हो रही था, टॉल प्लांट्स हमें मिले थे सारे, अब इनकी क्रॉसिंग करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। अब फिर से आपसे वही क्वेश्चन, टॉल की क्रॉसिंग टॉल के साथ
साथ ही करवाते हैं तो क्या टीचर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल सभी बच्चे यही कहेंगे कि टॉल प्लांट्स ही आने चाहिए सभी प्रोजेक्ट में। जब इनके पेरेंट्स टॉल हैं तो टॉल प्लांट्स आने चाहिए। मेंडल ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन रिजल्ट देखिए क्या रहे, बहुत स्ट्राइकिंग रिजल्ट उसको मिले। उन्हें मिले टॉल प्लांट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें मिले ड्वार्फ प्लांट्स। यहाँ पर ये ड्वार्फ जैसे ही प्रोजेनिस के अंदर उन्हें दिखाई दिए, तो यहाँ सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आई कि ये ड्वार्फ कैरेक्टर जिसको इस जनरेशन में सोच लेते कहीं गुम हो गया है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर गुम नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट लॉस्ट। तो ये कहाँ था, इट वॉज ऑलरेडी इन दिस टॉल हाइब्रिड प्लांट, इन प्लांट्स में था। ये जो 100% टॉल प्लांट हम कह रहे थे, इन F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे, इनमें वो कैरेक्टर है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। एक्सप्रेस कब किया, जब उसे सेल्फ पोलिनेट करवाया गया। और ये जो प्रोजेनिस है इनको हम कहते हैं F2 जनरेशन। ये जो रिजल्ट मिला टॉल और ड्वार्फ का F1 जनरेशन में सेल्फिंग के बाद, ये F2 जनरेशन रिजल्ट है। और एक और खास बात, पहला तो यही था स्ट्राइकिंग रिजल्ट की ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। दूसरा, इनको क्योंकि आपसे बात हुई थी वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे, कैलकुलेशन करते थे, काउंट करते थे प्रॉपर हर चीज को। यहाँ पे देखा गया कि 75% जितने भी प्लांट्स उनको मिले ना, 75% तो टॉल थे और 25% ड्वार्फ प्लांट थे। 3-1 की रेशो यहाँ पर हम कह सकते हैं, 3 अगर टॉल प्लांट है तो 1 ड्वार्फ प्लांट है, 25% ड्वार्फ एंड 75% टॉल कैरेक्टर। ये स्टेम हाइट का एग्जांपल लिया है। आप इसमें चाहे सीड कलर कोई भी 7 कैरेक्टर्स में से कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट्स यहाँ पे मिले। मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उन्हें उन 7 कैरेक्टर्स के साथ सेम रिजल्ट्स मिले, कि पहली जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है और उसके बाद जब वो सेल्फिंग करवाते थे तो उनको 3-1 की रेशो में दोनों कैरेक्टर्स मिलते थे। ये उनकी ऑब्जर्वेशन रही, और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ टर्म्स दी, कुछ इंटरप्रिटेशन की अपने रिजल्ट्स की,